कल प्रयागराज के CJM कोर्ट में CBI ने एक अर्जी दी थी कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या में जो लोग अभियुक्त हैं उनकी रिमांड दी जाए। तो हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि क्योंकि अभी तक CBI ने 161 का बयान नहीं लिया है, और हमने यह भी पक्ष रखा क्योंकि यह न्याय क्षेत्र जो है अब CBI कोर्ट का है, तो CJM कोर्ट इस पर कोई निर्णय ना ले, लेकिन CJM कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि इनको 7 दिन की जो है पुलिस कस्टडी रिमांड में देने का निर्णय लिया। और उसके बाद हम लोगों ने एक अर्जी और दी कि पुलिस कस्टडी रिमांड के समय उनके अधिवक्ता भी साथ रहें। तो कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यदि अभियुक्त चाहें तो, यदि आनंद गिरी चाहें तो अपने साथ अपने अधिवक्ता को रख सकते हैं, वह तब जब CBI कोई बरामदगी करती है और उसको सील करती है या दिखाती है, उस समय उनके अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। तो हम उस समय CBI के साथ मौजूद रहेंगे, और आनंद गिरी जी ने CBI जांच पर भरोसा जताया है और कहा है कि हम लोग पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेंगे। कोई एक निश्चित दूरी भी तय की गई है CBI की? 100 मीटर की दूरी। उन्होंने ये कहा कि हमको ईश्वर पर और CBI पर पूर्ण रूप से भरोसा है, और प्रयागराज की जनता का स्नेह और प्रेम हमेशा मिलता रहा है। ईश्वर न्याय करेंगे, CBI न्याय करेगी। पूरे घटनाक्रम को लेकर के भी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया उसको? उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ और जो है मुझे न्याय मिलेगा। कितनी देर आप लोगों की बातचीत हुई? 10 मिनट रहे जेल में। अभी क्या प्रक्रिया रहे, कैसे कर रहे? पहले उनका मेडिकल कराएगी, क्योंकि उसमें यह भी आदेश है कि किसी तरह का कोई हरेसमेंट ना किया जाए।